नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरोग्यम योगा एंड वेलनेस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि योगा जो हम कर रहे हैं कोविड से बचने के लिए, वो क्यों कर रहे हैं। साइंटिफिकली हम उसको अच्छे से समझेंगे कि कौन सा योगासन आपके बॉडी के कौन से ऑर्गन के लिए, कौन से सिस्टम में काम ज़्यादा करता है, जिससे आपका इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है और फिर आपको कोविड से जो है प्रिकॉशन मिलता है और उससे बचने का जो है उपाय आपको मिलता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। किसी भी रोग को ठीक करने के लिए, चाहे वो इन्फेक्शन जो है वो वायरल हो या बैक्टीरियल हो, उसके कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमको पता है कि कोरोना वायरस जो है, इसके मेनली 3 कॉम्प्लिकेशंस है। पहला है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सेकंड है गट प्रॉब्लम्स और थर्ड है ऑक्सीजन लेवल का गिर जाना। अब इसमें हम जो ये डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग करते हैं, भुजंगासन बोलते हैं करने के लिए, उष्ट्रासन बोलते हैं, ये सब हम क्यों करते हैं उसको अभी अच्छे से समझते हैं। पहले जानते हैं कि हमारा ये डायफ्राम जो है वो कहाँ होता है। हमारा डायफ्राम जो है वो हमारे लंग्स के एकदम नीचे होता है, ठीक है। तो हम जब फुल्ली ब्रीथ इन करते हैं तब हमारा लंग्स जो है वो एक्सपैंड होता है और डायफ्राम जो है वो सिकुड़ जाता है। सिमिलरली जब हम फुली ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल जब करते हैं, तब क्या होता है, हमारा लंग्स जो है वो सिकुड़ जाता है और हमारा डायफ्राम जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। सेम चेस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो है, जब वो हम करते हैं चेस्ट स्ट्रेचिंग आसन, जैसे भुजंगासन हो गया, आपका उष्ट्रासन हो गया, आपका मत्स्यासन हो गया, जो बैक बेंडिंग वाले आसन होते हैं जिससे हमारा चेस्ट जो है वो एक्सपैंड होता है, उससे भी ये सेम प्रोसीजर हमारे बॉडी में चलता रहता है। अभी ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने की वजह से निमोनिया जो हो जाता है लोगों में, निमोनिया में क्या होता है, हमारे जो लंग्स हैं वो सूज जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, ठीक है। हमारे जो ब्रोंकियल्स हैं, एल्वियोलीज हैं, एयर जो जिसको एयर सैक्स भी बोलते हैं, उसमें जो है म्यूकस पूरा जम जाता है, ठीक है, जिससे वो ब्रोंकियल्स का जो साइज है वो बड़ा बड़ा हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल जो है वो घट जाता है क्योंकि हम ऑक्सीजन ले ही नहीं पाते, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ नहीं पाते। तो योग इसमें क्या करता है, योग जो है इन म्यूकसों को जो है गला देता है। जब भी आप कपालभाति प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, या फिर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करो, या फिर चेस्ट एक्सपेंशन के लिए जो भी मैंने बोला अभी कि बैक बेंडिंग एक्सरसाइजेस हम जब करते हैं, उससे हमारे बॉडी में जो है हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और चेस्ट एक्सपेंशन से क्या होता है, हम देखेंगे लंग्स अगर आपका ऐसे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा तो उसमें से जो ब्रोंकियल्स में जो म्यूकस है वो अपने आप जो है रिमूव होते जाते हैं, ठीक है, जिससे हमारे ब्रोंकियल्स का साइज जो है वो अपनी जगह पर आ जाता है, ऑक्सीजन लेवल फुल्ली हमारा बॉडी में फ्लो होता रहता है और हमारे एल्वियोली का जो काम है वेंटिलेशन और परफ्यूशन, वेंटिलेशन यानी कि फ्लो ऑफ एयर और परफ्यूशन यानी कि फ्लो ऑफ ब्लड, वो अच्छे से होता है। अभी देखिए, अगर फ्लो ऑफ एयर और फ्लो ऑफ ब्लड अगर आपके बॉडी में अच्छे से हो रहा है तो आपके दो जो है कॉम्प्लिकेशन यहीं पर सॉल्व हो जाते हैं। दो कॉम्प्लिकेशंस कौन से, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ऑक्सीजन लेवल का जो घट जाना कोरोना वायरस के केस में जो होता था, वो दो कॉम्प्लिकेशंस जो है हमारे यहाँ ही सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें प्राणायाम में मेनली डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग, ऑल्टरनेटिव डीप ब्रीदिंग और जो बैक बेंडिंग वाले एक्सरसाइजेस है उनको करने के लिए हम लोगों को बोलते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना, आप पॉजिटिव हो गए हो तो बस आप योग ही करो, आपकी ऑक्सीजन लेवल एकदम नीचे आ गया है फिर भी आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो, डॉक्टर का जो है आप सलाह नहीं ले रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। योग जो है बस आपको एक हेल्प कर देगा, आपको क्योर करने के लिए वो आप बस इनिशियल स्टेजेस में ही वो ठीक रहता है। अभी लास्ट जो कॉम्प्लिकेशन है यानी कि गट प्रॉब्लम, मतलब आपका पेट का समस्या होना, ठीक है। मैंने अपने जो कोरोना वायरस का जो मैंने दो वीडियोस बनाया है उसमें मैंने ये आपको डिटेल में समझा दिया था, तो अभी डिटेल में नहीं जाता है। गट प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या सजेस्ट करते हैं, क्या रिकमेंड करते हैं योग में, हम कपालभाति क्रिया रिकमेंड करते हैं, पवन मुक्तासन रिकमेंड करते हैं, तिर्यक ताड़ासन रिकमेंड करते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है वो स्टिमुलेट हो जाता है, जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो जाता है। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि टेस्ट जाने की वजह से लोग जो है खाना छोड़ देते हैं कोरोना वायरस में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका डाइजेस्टिव फायर स्टिमुलेट हो गया, आपको भूख लगना अच्छे से स्टार्ट हो जाता है,
तो आप खाना अच्छे से खाते हो। ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि ये सब आसन करने से, ठीक है, जो पेट की समस्या के लिए हम योग बताते हैं, ये सब आसन करने से क्या होता है, हमारे एब्डोमिनल मसल्स को जो है वो अच्छे से एक मसाज मिल जाता है, जिससे क्या होता है हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो सीधा नहीं है, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है वो बहुत पेचीदा है, तो उसमें जो है कई कबार खाना फंस जाता है, वहाँ फंसने के वजह से जो है टॉक्सिन्स पैदा होने लग जाते हैं, टॉक्सिन्स फॉर्म हो जाता है, गैस फॉर्म हो जाता है, ब्लोटिंग होने लगता है। तो हम जब भी ये सब आसन करते हैं तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक जो है हमारा क्लियर रहता है, खाना उसमें नहीं जो है फंसता, वो अपनी जगह पर, यानी कि जहाँ वेस्ट मटेरियल जमा होते हैं वो अपनी जगह पर चला जाता है और फिर नेक्स्ट डे आपका एक्सक्रीशन अच्छे से होता है। आप सभी को पता है जिसका एक्सक्रीशन अच्छे से होता है उसको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। अभी देखिए ये तीनों मैंने जो कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं ये और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस या फिर वायरसेस के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सिर्फ कोरोना वायरस में ये तीन देखे गए, इसका मतलब ये नहीं कि और किसी रोग में नहीं हो सकते, तो सेम उसमें भी एप्लीकेबल है, ठीक है। जो मैंने दो पहले कॉम्प्लिकेशन बताया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और आपका ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना, वो होता था हमारे लंग्स के सूज जाने से, इन्फ्लेम्ड हो जाने से, ठीक है, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर नहीं जा पाता था। लेकिन जो योग के माध्यम से मैंने आपको बोला कि वो म्यूकस को रिमूव कर देता है, अपने एल्वोली और जो एयर सैक्स है उनका फंक्शन वो अच्छे से करवाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, ऑक्सीजन लेवल जो है वो नॉर्मल पर आ जाता है। और थर्ड जो है गट प्रॉब्लम्स जो है मैंने आपको बताया, पेट का समस्या, कुछ भी समस्या हो तो वो भी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाता है योग की मदद से। अभी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है, हम सभी को पता है बहुत सारे ऐसे आसन प्राणायाम हमको पिछले साल से ही ये सब हम कर रहे हैं, मैं नाम बता देती हूँ वापस, जैसे प्राणायाम में कपालभाति क्रिया, अनुलोम विलोम, फिर नाड़ी शोधन हो गया, आपका भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, भ्रामरी उद्गीत वगैरह ये सब, और आसन में आपका जो है हलासन जो है पदहस्तासन वगैरह, जिससे इम्यूनिटी बढ़ता है। अभी बात ये है कि योग इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाता है, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो है WBC का प्रोडक्शन ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योग क्या करता है, इस WBC के प्रोडक्शन को जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे एंटीबॉडीज बॉडी में बहुत ज़्यादा बनने लगती है। अभी जितना ज़्यादा एंटीबॉडी बनेगा उतना ही जो है कोरोना वायरस को वो अच्छे से टैकल कर पाएगा। हम सभी को पता है कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन्स है उसमें जाकर अगर एंटीबॉडी आपका चिपक गया तो वो स्पाइक प्रोटीन जो है अपना काम और नहीं कर पाएगा, यानी कि हमारे सेल के अंदर जो घुसना उसका काम था उससे वो और वंचित हो जाएगा और नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे जो है वो वीक हो जाएगा और अल्टीमेटली मर जाता है। तो योग वही हेल्प करता है। अभी ये WBC का जो प्रोडक्शन है ये ज़्यादातर कहाँ होता है, आपके स्प्लिन में होता है और लिम्फ नोड्स में होता है, ठीक है। तो आपका स्प्लिन जो है ये हमारे लंग के हमारे लेफ्ट साइड में होता है, लंग के एकदम स्टमक के एकदम बाजू में, ठीक है, और लिम्फ नोड्स जो है आपके पूरे बॉडी में है, चेस्ट में है, नेक में है, अंडर आर्म्स में है, हर किसी चीज में है। तो इसलिए बोला जाता है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करने चाहिए। फॉरवर्ड बेंडिंग आसन आप जितना करेंगे, हमारा स्प्लिन यहाँ है उसमें जो है प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, जितना उसमें प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, स्ट्रेच ज़्यादा होगा, उतना ही WBC का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए जो है इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए योग में फॉरवर्ड बेंडिंग आसन जैसे हलासन, पदहस्तासन, पश्चिमोत्तानासन वगैरह, इन सबको बोला गया है करने के लिए। और सेम आपके लिम्फ नोड्स में भी, ठीक है, लिम्फ नोड्स को ठीक रखने के लिए उसमें जो है उसमें भी WBC का प्रोडक्शन होता है, उसको ठीक रखने के लिए भी आप ऐसे चेस्ट का स्ट्रेचिंग आपको करना है, आपको प्राणायाम ज़्यादा करना है, जिससे WBC का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा रहता है, एंटीबॉडीज ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये था योग कैसे हेल्प करता है कोरोना वायरस केसेस में, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों को पता ज़्यादा चलना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम क्या करते हैं, योग तो हम करते ही हैं लेकिन हमको पता नहीं होता कि स्पेसिफिकली कौन सा योग हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।